नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त देखिए मैं आया हूँ यहाँ कब्रिस्तान पे, साउथ के कब्रिस्तान पे। और पीछे आप देख रहे हैं जो देखिए नीम का पेड़ है, उस पर माला भी चढ़ाया गया है, पास में दफनाया भी गया है और उसमें क्रिश्चियन का वो प्लस वाला साइन भी लगा है। आप उस प्लस वाले साइन से यही समझते होंगे कि वहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के व्यक्ति को वहाँ पर गाड़ा गया है। आइए आखिर वहाँ पर जाकर देखते हैं वहाँ पर है क्या, आखिर वहाँ पर लोग क्या करते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं वहाँ पर कब्रिस्तान की तरफ और चलते हैं देखते हैं क्या। मैं आपको पीछे के साइड में दिखाता हूँ, देखिए जो उधर दिखाई दे रहा है बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ और वहाँ बहुत कबाड़खाने हैं। आइए उधर भी अभी लेकर चलते हैं, पहले आइए यहाँ कब्रिस्तान पर देखते हैं होता क्या है। आप देखिए मैं जाने वाला हूँ कब्रिस्तान और ये है उनकी जो भी सिस्टम है वो है। देखिए कब्रिस्तान की जैसे जैसे हम लोग पास जा रहे हैं वैसे वैसे कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए एक दो तीन लाशों को नीचे दफनाया गया है और यहाँ पर कब्रिस्तानों पर कुछ ऐसा ही है। आइए देखते हैं कि यहाँ पर है। दोस्तों मैं पीछे कैमरा को जूम कर दिया और देखते हैं यहाँ पर देखिए कैसा है। और यहाँ पर देखिए जो भी सिस्टम है कुछ इस तरह का इनकी होती है। और पूजा करने से पहले देखिए इस पेड़ पे किस प्रकार में देखिए माला चढ़ा कर रखे हुए, पेड़ भी मुरझा गया है। आते हैं आगे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर देखिए कब्रिस्तान पे उनके जल चढ़ाने के लिए रख दिया गया लेकिन उसमें पानी नहीं रखा, पता नहीं क्यों। और एक मोमबत्ती और केले जैसे सिस्टम को रख देते हैं। अपने इधर जैसे लाशों पर फल फूल चढ़ाया जाता है वैसा नहीं है यहाँ पर, उसको तो छोड़िए। ये देखिए यहाँ पर एक दारू की बोतल भी मिल गई, गजब है यार यहाँ के लोग। तो चलते हैं, देखिए जो पीछे एक टनल सा आपको दिख रहा होगा वो हाउस, और हाउस की तरफ चलते हैं देखते हैं उस हाउस में क्या है। आइए चलते हैं देखते हैं उसका हाउस की तरफ, उसमें लोग क्या करते हैं क्या नहीं होता। और देखिए उधर महिला जा रही है हमें देखते हुए निकल रही है रोड पर। और देखिए पीछे जो है फैक्ट्री लगी हुई है, फैक्ट्री पास में ये चीज़ें हैं। और देखिए जैसे ही हमने आया यहाँ पर देखिए दरवाजे हैं ना, दरवाजे देखिए खोल कर देखते हैं कि है क्या इसमें। ओ दोस्तों आप देखिए यहाँ बहुत लाजवाब चीज़ें दिखाई दी आपको, खोलते ही आपको ये देखिए रक्त दिखाई दे रहा है, मृत लाशों को, जिस लाशों को लेकर बैठा कर लोग इसी पर यहाँ पर आते हैं साउथ के लोगों ने। अब देखिए इसको बारीक से आपको हम दिखाते हैं और पीछे कैमरा देखकर पूरा जूम करते हैं। देखिए कुछ इस तरह का होता है यहाँ पर, जो भी व्यक्ति मर जाते हैं हाँ उनके इसी पर बैठा कर ये लोग लाते हैं। और इनके बोर्ड पर भी लिखा हुआ कुछ तमिल में, नहीं हम लोग तो नहीं पता, आप लोगों ने देखा होगा इस तरह की लाशों पर जो बैठा कर मृत्यु को लाते हैं। ठीक है जो भी है कुछ भी हो, ऊपर भी कुछ भी हो, अब करते हैं दरवाजे को बंद और जो भी आत्मा हो यहीं पर रहे। ठीक है गेट से बाहर निकल चुके आ गए हम लोग सड़क पर। और रही बात ये जो आप पीछे देख रहे हैं यहाँ पर भी लोग दफना देते हैं, उन्हें गाड़ देते हैं। हाँ ठीक है आइए हम चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं यहाँ पर है। और पूरा है सुनसान, आप देख सकते हैं पूरा सुनसान है, फैक्ट्री उधर कार भी आ रही है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा सब कुछ है। दोस्तों चलते चलते मैं रोड पे आया हूँ और आप यहाँ साउथ के लोग जिस पर ज़मीनें होती कुछ इस प्रकार घेराबंदी कर देती हैं और उस फील्ड में तो बच्चे बैठ के ना भी खेल रहे हैं। और आइए चलते हैं यहाँ पर, ठीक है कबाड़खानों में देखते हैं यहाँ पर है क्या। और रही बड़ी बड़ी कबाड़खाने जिससे आने में होता क्या है, वो तो छोड़िए। तो कुत्ता भाई साहब तक बहुत लाजवाब कर दिए, टोनी वाह, कुत्ता भी नहीं आ रहा है, फैक्ट्री भी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, जो भी हो चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर कितने आदमी मिल रहे हैं। अब दूर से आपको दिखाई देता होगा वहाँ पर एक व्यक्ति है, व्यक्ति पास चलते हैं और पूछते हैं वहाँ पर होता क्या है और लोग करते क्या है। यहाँ सबसे भीषण कबाड़खाने में मैं आ चुका हूँ, पूरा यहाँ सिटी की जितने भी कबाड़खाने हैं इकट्ठा होती है, वो पास में है फैक्ट्री, फैक्ट्री के पास बल्क चलते हैं और देखिए आदमी के पास हम पहुँचते हैं और देखते हैं होता क्या है। और चलिए और पहुँचते हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ कर क्या रहे हैं। और हम कुत्ते थे आप कुछ देखें भौंकने लगे, उनको छोड़िए आ जाते हैं देखते हैं कबाड़ खाने में वो क्या ढूंढते हैं और उनको क्या मिल जाता है। जो भी सिस्टम है पहुँचते हैं उनके पास और देखते हैं क्या है क्या नहीं। दूर से आपको फैक्ट्री दिखाई देती होगी। मैं आ गया किसी साउथ के कबाड़ स्टेशन पे और देखते हैं, देखिए एक बहुत आसानी से ध्यान दे रहे हैं, थैले में हाथ डाल क्या पता नहीं क्या निकाल रहा है, ऐसा लग रहा है हमें मारेंगे या कुछ भी करेंगे जो भी हो। और वो भाई साहब बीड़ी को जला रहे हैं और पी रहे हैं जो भी है। आइए उनसे पूछते हैं कबाड़ में क्या क्या उन्होंने ढूंढा। अन्ना 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 साफ पर साफ पया और साफ पर कोई साफ रहे नहीं क्या हाँ कोई तो जा पन्ना अन्ना साफ पर सुन ले इंगे सुन ले साफ पर था घर अंदर हाँ साफ पर था चावल चावल हाँ हिंदी तेरी माँ
बंदे नहीं अन्ना हिंदी तेरी माँ